नमस्कार साथियों, तो मौजूद हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की दिन भर की ताज़ा खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों के सिलसिले को शुरू करें, आपसे निवेदन है चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो पेश है आज दिन भर के मुख्य समाचार। JOAIT पोस्ट कोड 817 का प्रश्न पत्र भी हुआ था लीक, 10 आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज। भंग किए जा चुके हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग की ओर से मार्च 2021 में आयोजित कनिष्ठ कार्यालय सहायक IT पोस्ट कोड 817 का प्रश्न पत्र भी लीक हुआ था। इस संबंध में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो थाना हमीरपुर में आज 10 आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। वहीं SP विजिलेंस राहुल नाथ ने इसकी पुष्टि की है। कनिष्ठ कार्यालय सहायक IT के 1756 पदों को भरने के लिए 31 दिसंबर 2020 को विज्ञापन प्रकाशित किया गया था। 1000 महिलाओं ने महानाटी डालकर दिया पर्यावरण संरक्षण का संदेश। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के श्री रेणुका जी विधानसभा क्षेत्र के बोगधार में विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर करीब 1000 महिलाओं ने एक साथ महानाटी डालकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। वहीं कार्यक्रम में प्रसिद्ध लोक गायक KL सहगल के पर्यावरण संरक्षण के संदेश पर आधारित गानों पर महिलाएं खूब थिरकीं। पारंपरिक वाद्य यंत्रों की धुन पर मेले के समापन पर महिलाओं ने शानदार नाटी डांस किया। दिल्ली में बनवाए थे शराब की बोतलों में नकली होलोग्राम व लेबल। नकली लेबल और नकली होलोग्राम लगी शराब की बोतलों पर लेबल और होलोग्राम दिल्ली से बनवाकर मंगवाए गए थे। पुलिस की पकड़ में आए मुख्य आरोपी गौरव मिन्हास ने यह दावा पुलिस के समक्ष किया है। वहीं गौरव के दावे में कितनी सच्चाई है, पुलिस अब इसको जांचने में जुटी हुई है। वहीं इस मामले में अन्य पहलुओं को खंगालने में भी जुटी हुई है। वहीं गौरतलब है कि पुलिस ने इस मामले में महतपुर स्थित गोदाम और जनकोर स्थित पोल्ट्री फार्म के मालिक को भी नामजद किया था और उनके ट्रक में अवैध शराब नहीं बल्कि नकली शराब बनाने में प्रयोग हुए सामान, ड्रम और पानी की टंकियों को ढोया गया था। इस ट्रक को पुलिस 3 दिन पहले ही जब्त कर चुकी है। SP अरजीत सिंह ठाकुर ने बताया कि पुलिस ने इस संबंध में जांच को आगे बढ़ाना जारी रखा है और होलोग्राम व लेबल कहां छपवाए गए थे इसे भी वेरीफाई किया जा रहा है। हर्षित ने राष्ट्रीय ग्रेपलिंग में जीता कांस्य पदक, मध्य प्रदेश के देवास में हुई प्रतियोगिता। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के हर्षित ने राष्ट्रीय ग्रेपलिंग प्रतियोगिता में प्रदेश की झोली में कांस्य पदक डाला है। मध्य प्रदेश के देवास में 16वीं राष्ट्रीय ग्रेपलिंग प्रतियोगिता के अंडर 17 के 95 किलोग्राम भार वर्ग में हर्षित ने यह पदक जीता है। वहीं युवा खिलाड़ी की इस उपलब्धि से कुल्लू में खुशी का माहौल है। चंबा जेल के 7 कैदियों समेत बाल आश्रम के एक बच्चे को पी लिया। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में सजा काट रहे 7 कैदियों समेत बाल आश्रम में पढ़ने वाला एक बच्चा पीलिया से ग्रस्त निकला है। इसकी बीमारी की पहचान उस समय हुई जब स्वास्थ्य विभाग की टीम ने जेल में सजा काट रहे कैदियों और बाल आश्रम में पढ़ने वाले बच्चों के स्वास्थ्य की जांच की। वहीं जेल में 139 कैदियों के स्वास्थ्य की जांच की गई, इनमें 7 लोग पीलिया से पीड़ित मिले। इसके बाद जब स्वास्थ्य विभाग की टीम ने बाल आश्रम में पढ़ने वाले बच्चों के स्वास्थ्य की जांच की तो इनमें एक बच्चा पीलिया से पीड़ित मिला। इनकी बीमारी के बारे में टीम ने मेडिकल कॉलेज में तैनात मेडिसिन विशेषज्ञों को अवगत करवाया। इसको लेकर विशेषज्ञ ने टीम को सबसे पहले यह परामर्श दिया कि इन मरीजों के सैंपल लेकर मेडिकल कॉलेज में जांच करवाएं। चंबा में भारी बारिश से हाईवे पर भूस्खलन, कुल्लू में ओलावृष्टि का कहर, 4 दिन खराब रहेगा मौसम। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के बीच हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में बारिश व ओलावृष्टि हुई है। चंबा जिले में बदले मौसम के मिजाज ने लोगों की दुश्वारियों को बढ़ा दिया है। आज शाम 6 बजे भारी बारिश के बाद भरमौर पठानकोट हाईवे गहरा में 22 मीटर डंगा धंस गया। वहीं कुराहा के पास टनों के हिसाब से मलबा और कीचड़ आ जाने से हाईवे बाधित हो गया। इससे देखते ही देखते चंबा और भरमौर की ओर से वाहनों की लंबी लाइनें लग गई। विकास खंड चंबा के तहत चंबी पंचायत में दोपहर बाद भारी बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई, इससे बागवानों व अन्य लोगों की दिक्कतें बढ़ गई हैं। दूसरी ओर आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश के कई भागों में 4 दिनों तक मौसम खराब रहने के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार मध्य व उच्च पर्वतीय कुछ भागों में आज से 9 जून तक बारिश हो सकती है।
6 जून को कुछ स्थानों पर अंधड़ चलने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। सभी मैदानी भागों में 8 व 9 जून को मौसम साफ रहने की संभावना है। विश्व पर्यावरण दिवस, सीएम सुखू बोले राज्य सरकार प्लास्टिक का विकल्प तलाशने के लिए नीति तैयार करेगी। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर शिमला में राज्य स्तरीय समारोह की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने घोषणा की, राज्य सरकार प्लास्टिक का विकल्प तलाशने के लिए एक वर्ष के भीतर नीति तैयार करेगी। सरकार उद्योगों को प्लास्टिक के लिए विकल्प के लिए प्रोत्साहित करेगी और प्रदेश में प्लास्टिक पर चरणबद्ध तरीके से पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाएगा। उन्होंने सड़क निर्माण में प्लास्टिक के उपयोग पर बल दिया। उन्होंने बच्चों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करने के लिए शैक्षणिक पाठ्यक्रम में संस्कृत और पर्यावरण संबंधित विषयों को सम्मिलित करने पर भी विशेष बल दिया। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने लोगों से पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण को कम करने में सरकार के प्रयासों में सहयोग करने का आग्रह किया। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बोले, दिल्ली में केंद्रीय नेताओं को बुक्के और वापस आकर गाली देते हैं कांग्रेस नेता। हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के कोटखाई दौरे से पहले नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने ठियोग में कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। ठियोग और खड़ा पत्थर में उन्होंने बताया कि कांग्रेस नेता इन दिनों दिल्ली में केंद्रीय नेताओं को बुक्के देते हैं और यहाँ आकर उन्हें गाली देते हैं। प्रदेश वापसी पर बजट का रोना रोते हैं, यह गलत बात है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के केंद्र से बजट न मिलने के बयान पर जयराम ने यह जवाब दिया है। उन्होंने ऊना जिले में नकली शराब बेचने के मामले में एक गिरफ्तारी को मात्र औपचारिकता बताते हुए निष्पक्ष और सघन जांच की मांग की। मांगों को लेकर शिमला में सचिवालय के बाहर गरजे मजदूर सरकार के खिलाफ नारेबाजी। मजदूरों की सहायता राशि, पंजीकरण और नवीनीकरण पर रोक लगाने के मामले में सीटू से संबंधित मनरेगा और निर्माण मजदूर फेडरेशन ने आज शिमला में सचिवालय के बाहर प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। प्रदेश के सभी जिलों से आए मजदूर सुबह टोलैंड चौक पर एकत्रित हुए, वहीं हाथों में बैनर और प्ले कार्ड लेकर सचिवालय तक जुलूस निकाला। पुलिस के रोकने पर मजदूर सड़क पर ही बैठ गए, इससे जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई। जाम लगने से वाहन चालकों को परेशानी झेलनी पड़ी। इसके बाद श्रम मंत्री डॉक्टर धनीराम शांडिल से एक सप्ताह के भीतर सहायता राशि और अन्य मांगे पूरी करने का आश्वासन मिलने के बाद मजदूरों ने प्रदर्शन को स्थगित कर दिया। मंत्रिमंडल बैठक कल, बजट घोषणाओं पर लग सकती है मुहर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में कल दोपहर बाद मंत्रिमंडल की बैठक होगी। बैठक में मुख्यमंत्री की बजट घोषणाओं पर स्वीकृति की मुहर लग सकती है। सूत्रों के अनुसार बैठक में वाटर सेस लगाने से जुड़े विषय पर चर्चा हो सकती है। इसके तहत सरकार ने पावर प्रोजेक्ट लगाने वाली उन कंपनियों की रिपोर्ट तलब की है जो उत्तराखंड को वाटर सेस दे रही हैं। वहीं उत्तराखंड को वाटर सेस देने वाली कई कंपनियां इस समय हिमाचल प्रदेश को वाटर सेस देने से आनाकानी कर रही हैं। वहीं मौजूदा समय में राज्य सरकार ने प्रदेश में पावर प्रोजेक्ट लगाने वाली 172 परियोजनाओं पर वाटर सेस लगाने का निर्णय लिया है। इसमें से करीब 125 कंपनियों ने अब तक वाटर सेस देने के लिए अपना पंजीकरण करवाया है। राज्य सरकार का यह निर्णय यदि सिरे चढ़ता है तो इससे प्रदेश की आर्थिकी को बल मिल सकता है। तो ये हैं दिन भर के मुख्य समाचार। तो प्रदेश की ताज़ा खबरों को पाने के लिए चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।